आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो आज 5 मिनट में 5 बड़ी खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। भीषण बाढ़ में फंसा पूर्वी चीन, आइए देखते हैं कुछ तस्वीरें। चीन के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पुयांग पर बने कई बांध टूट गए हैं। चीन के नेशनल वेदर सैटेलाइट सेंटर के डाटा के मुताबिक झील में पानी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इसी सप्ताह अधिकारियों ने बताया कि देश की 33 नदियां उफान पर हैं। यहां यांगत्जी नदी के इलाके में लगातार बारिश हो रही है। बुधवार को जल संसाधन मंत्रालय ने बताया है कि यांगत्जी नदी के मध्य और निचले इलाकों में डोगटिंग और पायोंग झील में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। अब आते हैं आज की दूसरी खबर पर। भारत की आबादी सदी के अंत तक घटेगी, रिपोर्ट का दावा, पर कैसे, आइए देखते हैं। भारत की आबादी इस सदी के अंत होते होते घटकर सिर्फ 1 अरब के करीब रह जाएगी, यानी अभी जितनी है उससे 30 से 35 करोड़ कम हो जाएगी। हालांकि फिर भी भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना रहेगा। और यही नहीं, दुनिया की आबादी भी सदी के आखिर में जितना पहला अनुमान लगाया गया था उससे 2 अरब कम रहेगी। यह अनुमान प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट में छपी एक ताज़ा रिपोर्ट में लगाया गया था। रिपोर्ट कहती है कि अभी दुनिया की आबादी करीब 7.8 अरब है, जो कि साल 2100 में करीब 8.8 अरब हो जाएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में 2019 में जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसमें साल 2100 तक दुनिया की आबादी करीब 10.9 अरब होने का अनुमान लगाया गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस सदी के अंत तक में सबसे ज़्यादा आबादी वाले 5 देश ये होंगे, भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान। अब आते हैं आज की तीसरी खबर पर। कोरोना वायरस महामारी ने देश का नक्शा कैसे बदल दिया, आइए जानते हैं। अमेरिका के बाद कोरोना से ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के 20 लाख से अधिक मामले हैं और अब तक करीब 86,678 लोगों की मौत हो चुकी है। मार्च से लेकर अब तक ब्राजील में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय में आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार तक देश में 2,12,181 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है। ब्राजील में टेस्ट भी उस पैमाने पर नहीं हो रहे हैं और इस आधार पर विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के मामले और संक्रमण से मरने की संख्या मौजूदा संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। तस्वीरों में देखिए कोरोना वायरस के दक्षिण अमेरिका के इस देश को किस तरह तबाह किया है। अब आते हैं आज की चौथी खबर पर। राजस्थान की सियासी उच्च पाठक में ऑडियो टेप को लेकर FIR की गई है दर्ज, आइए देखते हैं वीडियो। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह से शुरू हुए राजनीतिक उठापटक के दौर में एक नया मोड़ आया है। राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर शुक्रवार को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 2 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें वायरल हुए ऑडियो का जिक्र है। जयपुर में SOG के IG अशोक कुमार राठौड़ ने प्रेस को बताया है कि 3 लोगों के खिलाफ IPC के सेक्शन 124A और 120B के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिन ऑडियो टेप्स के आधार पर यह शिकायत दर्ज की गई है। अब हमारी टीम उनकी सत्यता की जांच करेगी। चिदंबरम ने पायलट को वापस आने का न्योता दिया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम से बात की है। सूत्रों के मुताबिक चिदंबरम ने देर रात पायलट को वापस आने का न्योता दिया है और कहा है कि बगावत भुला दी जाएगी। पायलट को केंद्रीय नेतृत्व में पद देने का आश्वासन दिया गया था। दरअसल कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को कहा कि उनके लिए पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। अब खबर है कि सचिन पायलट ने खुद ही सुलह की कोशिश की है। उन्होंने देर रात पी चिदंबरम से बात की, चिदंबरम ने भी सचिन पायलट को वापसी करने का न्योता दिया है। आज की आखिरी यानी 5वीं खबर की ओर। भारत की 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता, बोले रक्षा मंत्री, आइए देखते हैं वीडियो। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा सीमा विवाद हल करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन ये कब तक हल होगा अभी कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि भारत का 1 इंच जमीन भी कोई नहीं ले सकता। अगर बातचीत से हल निकलता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले भारत और चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और सैनिकों को संबोधित किया था। चीन इसी समय आक्रमण क्यों हुआ, राहुल गांधी ने सवाल किया और वीडियो जारी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वो बता रहे हैं कि बीते 6 सालों में ऐसा क्या हुआ जो चीन ने भारत के खिलाफ आक्रमण होने के लिए यही वक्त चुना। वीडियो में वो समझाते हैं एक देश को एक साथ कई चीज़ों की वजह से सुरक्षा मिलती है। इसमें पड़ोसियों और दूसरे मुल्कों के साथ उसके संबंध, अपने खुद की अर्थव्यवस्था और देश के नागरिकों की भावना और सोच शामिल है। वो कहते हैं दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध बीते 6 सालों में बिगड़े हैं। कई देशों के साथ हमारे रणनीतिक तौर पर अहम रिश्ते थे, लेकिन अब तो रिश्ते लेन देन तक सीमित हो गए हैं।
पड़ोसी मुल्कों के साथ साथ विदेशी मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते बिगड़ गए। जुड़े रहिए 5 मिनट 5 बड़ी खबरों में हमारे साथ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।